नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ और अनबॉक्सिंग करूंगी मैं आपके सामने ही, जो मैंने अमेजोन से मंगवाया है। और काफी टाइम से मैं इस प्रोडक्ट के बारे में सोच रही थी, तो फाइनली मैंने ऑर्डर कर दिया और वो आ गया है। अब मैं वो प्रोडक्ट आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगी और उसका डेमो करके भी दिखाऊंगी, उसका रिव्यू दूंगी कि किस तरीके कैसा है ये प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं, वो सब आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले ये वीडियो की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैंने फेसबुक पे भी अब अपना पेज बना लिया है काव्या हिंदी चैनल के नाम से, तो आप वहां जाके भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो उस मेरे जो चैनल है उसका नाम भी यही है, काव्या हिंदी चैनल। तो फेसबुक पे भी आप वहां जाके मेरे पेज को फॉलो करें प्लीज और अपना प्यार दें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का अपना। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने अमेजोन से ये प्रोडक्ट मंगाया है। ये है ड्राई फ्रूट कटर। तो ड्राई फ्रूट कटर वैसे बहुत आते हैं और मैंने जो यूज़ किया हुआ है मेरी मदर के घर, मेरे इन लॉज के यहाँ, वो वाला एक ऐसा होता था बॉक्स जैसा बना होता था और उसके ऊपर एक वाइट से प्लेट रखी हुई होती थी और उसके ऊपर एक कुछ उसको प्रेशर देने के लिए प्लास्टिक का कुछ रहता था और फिर एक स्लाइसर सी ब्लेड रहती थी और उस पर ऐसे कट करके और वो ड्राई फ्रूट उसके अंदर चले जाते थे। जब मैं पेंसिल बॉक्स जैसा कुछ होता था, मैं पिक डाल दूंगी, वैसा था। तो वो मैंने यूज़ किया हुआ था, तो मुझे भी था कि मुझे भी एक ऐसा ड्राई फ्रूट मंगवाना चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स क्या है ना, बादाम या काजू या कोई भी आप स्वीट डिश बनाते हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स आप डालते ही हैं। तो उससे पहले ये प्रिपरेशन करनी होती है कि आपको ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सुंदर से दिखे, उस हिसाब से काटने के लिए चाहिए होता है। तो चाकू से कभी कभी प्रॉपर कटते हैं, कभी नहीं कटते। तो ये था कि ड्राई फ्रूट्स के लिए कटर हो तो ज़्यादा सही हो, एक तो काम जल्दी हो जाएगा, धीरे धीरे जहाँ आप चाकू से काट रहे हैं वहाँ उससे एक साथ कितने सारे आप काट सकते हैं। चाकू से आपको वन 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 करके तो टाइम भी बचता है और एक कहते हैं ना, एक अच्छा मतलब सुंदरता से जो कटते हैं, एक आप कोई छोटे कोई बड़े एक एक ही साइज में आपको कट के आए सारे ड्राई फ्रूट्स, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अमेजोन पे देखूं और मैंने अमेजोन पे सर्च किया तो जैसा वो था जो मैंने आप बता चुकी हूँ वैसा नहीं, ये थोड़ा अलग टाइप से है। इसमें तीन ब्लेड मिली हैं और मैंने आप देख सकते हैं अभी तक इसको ओपन नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इसको आप लोगों के साथ ही ओपन करूँ, आपके साथ ही इसको शेयर करूँ इसकी अनबॉक्सिंग। तो इसलिए ये इस तरीके से मैंने ओपन कर दिया है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके की ये पैकेजिंग में आया है और बहुत छोटू सा क्यूट सा है, स्पेस भी जिस तरीके से बताया गया था, वाव, तो बहुत ही कम स्पेस घेरता है और ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए एक पॉलिथिन में और एकदम क्यूट सा है। ये पिस्ता ग्रीन कलर है, स्क्रीन पे पता नहीं कैसा कलर आ रहा होगा, देखिए आप पिस्ता ग्रीन कलर है और ये इसके ऊपर ढक्कन, ये इसमें ब्लेड्स जैसा कि इसमें मेंशन किया हुआ है कि इसमें थ्री ब्लेड्स आती हैं, ये देखिए आप। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके ब्रांड का नाम बता देती हूँ। ब्रांड इसमें दास लिखा हुआ है और ये दास किचनवेयर ABS 3-in-1 प्लास्टिक ड्राई फ्रूट्स एंड पेपर मिल ग्राइंडर स्लाइसर चॉकलेट कटर एंड बटर स्लाइसर विथ 3-in-1 ब्लेड लाइट ग्रीन स्टैंडर। तो इसका पूरा इस तरीके से नाम है, मैंने सिर्फ ड्राई फ्रूट्स कटर के नाम से इसको सर्च किया था तो ये मेरे को दिखाया था। तो इसमें भी काफ़ी अलग अलग जो है डीलर उनके अलग अलग रहते हैं, कोई ये 149 का है, कहीं पे 250 का मिल रहा है, कहीं पे 350 कुछ का मिल रहा है, तो मेरे को यही ठीक लगा। और इस पे जो स्टार हैं वो भी काफ़ी हैं, 4 स्टार इस पे हैं और 226 लोगों ने इसको ख़रीदा है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी इसको ले लेती हूँ, तो मैंने लिया। और इसका लिंक चाहिए तो भी मैं अमेजोन पे से लेके मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी। तो ये है 149 रुपीज़ का है और ये पूरा जो है ये प्लास्टिक मटेरियल है, आप देख सकते हैं ये इसकी एक लेयर है, ये सेकंड, मतलब ये ऐसे, ये जो ढक्कन है वो नीचे की तरफ आएगा इस तरीके से, ये ऊपर रहेगा,
मैंने उल्टा पकड़ लिया था, ये ढक्कन नीचे यानी यहाँ पे इस पे आपको क्रश करना है, ये इस तरीके से रहेगा और ये इस तरीके से ये सारा ओपन हो जाएगा और इसको आप इस तरीके से यहाँ पे फिट कर देंगे और ये नहीं गिरेगा। तो ये जो सारी बॉडी है वो सारी प्लास्टिक की है और ये जो है 3 स्टील की ब्लेड आपको देते हैं साथ में, जिसमें से ये जो ब्लेड है वो ड्राई फ्रूट कटर है, यानी इससे आप ड्राई फ्रूट कटिंग करेंगे। और ये वाली ब्लेड है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत बड़े बड़े ये बने हुए हैं, तो ये है चॉकलेट क्रशर, यानी चॉकलेट को आप इससे कट करेंगे। और ये है चीज स्लाइसर, चीज को या बटर को आप इससे स्लाइस कर सकते हैं। तो ये 3 ब्लेड आपको इसके साथ दी जाती है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। ये काफी अच्छी क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि चीप क्वालिटी है कि मुड़ जाएगी, बहुत ही सॉलिड मटेरियल का है ये स्टील जो है वो काफी सॉलिड है, तो मुड़ने का कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने वो वाला जो पेंसिल बॉक्स जैसा जो होता है वो मैंने ड्राई फ्रूट्स कटर यूज़ किया हुआ है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि उसमें एक तो एक ही ब्लेड दी हुई होती है ऊपर की तरफ यहाँ पे बनी होती है और उसके ऊपर आपको एक या दो ही आप उस पर ड्राई फ्रूट्स रख के उसके अंदर एक गोला सा होता है उसके अंदर एक दो थी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि उसका जो ऊंचाई है वो इतनी होती है और फिर ऊपर से वो ढक्कन डाल के आपको क्रश करना पड़ता है, तो उसकी क्वांटिटी कम रहती है, 2 से 3 बादाम या काजू ही रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं। इसमें आप काफ़ी इतना आपको मिल जाता है स्पेस, तो आप काफ़ी इसमें भर सकते हैं। तो एक तो ये बेनिफिट है, दूसरा इसमें 3 ब्लेड्स आ रहे हैं। आप चॉकलेट का बेकिंग का अगर काम करते हैं जो चॉकलेट इससे क्रश करेंगे तो बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। आप घर में कोई भी परांठा या पिज्ज़ा या ऐसा कुछ बना रहे हैं तो चीज़ को आपको क्रश करने के लिए अलग से वो ग्रेटर यूज़ करते हैं, तो ये इससे आराम से हो जाएगा। और ड्राई फ्रूट्स के लिए तो चाहिए ही चाहिए आपको, तो जिसमें लंबे लंबे जो है ड्राई फ्रूट्स के स्लाइस हो जाएंगे कि आप उसको ऐसे आड़ा भी लगा सकते हैं या खड़ा भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप ड्राई फ्रूट्स अच्छे से उसको क्रश कर सकते हैं। आपको बारीक चाहिए तो आप ये ब्लेड ड्राई फ्रूट्स में ये भी यूज़ कर सकते हैं, अगर थोड़ा बारीक चाहिए तो आपको, नहीं तो ये तो है ही। उसके बाद मैं इसका बताती हूँ कि इसका ये जो प्लास्टिक मटेरियल है ये भी काफ़ी सॉलिड है, चीप क्वालिटी का नहीं है और ये पिस्ता ग्रीन कलर का है और ये इतना छोटू सा है कि आपके कहीं भी कवर्स में आराम से आ सकता है, मतलब इतना छोटू है कि आप इसको ट्रैवल में भी कैरी कर सकते हो, कि आपको कहीं अगर लेके भी जाना है तो आप आराम से इसको कैरी कर सकते हो, ड्रॉअर में कहीं पर भी ये आसानी से आपके आ जाएगा। और ये जो है ये धोने में भी बहुत इजी रहेगा क्योंकि इसके जो सारे पार्ट्स हैं वो आराम से इस तरीके से खुल जाते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये दिए हुए हैं, इनको आपको दबाना है, प्रेस करना है और फिर इंसर्ट करना और प्रेस करके इसको बाहर निकालना है। तो ये ऐसा नहीं है कि चीप मटेरियल है तो यहाँ से कहीं ये टूट जाएगा, नहीं, ये भी सॉलिड है, तो ये जो इसका मटेरियल भी अच्छा है और ये कम स्पेस घेरता है तो इसलिए भी ये बहुत अच्छा है। बात करते हैं अब इसके यूज़ की, कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो मैं आपको आपके सामने ही इसको यूज़ करके बता दूंगी कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर आप देख सकते हैं ये इतने पार्ट हो जाएंगे प्लास्टिक वाले के, सब अलग अलग हो जाएंगे, तो धोने के लिए तो ये बहुत ही इजी है, अलग अलग सारे पार्ट्स ओपन हो जाएंगे तो आप इनको क्लीन तो आराम से कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसको यूज़ करके बताऊंगी कि इसमें किस तरीके से आपको ये जो है ड्राई फ्रूट्स किस तरीके से कट के बाहर आएंगे, तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले इसको हमें अटैच करना है, तो मैं इसको अब धो लिया है इसको, क्योंकि बाहर से कैसी आती है चीज़ कैसी नहीं, तो इसलिए सबसे मैं पहले हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले मैं इसको धो लिया है, ये अच्छे से सूख भी गया है। अब हम इसको किस तरीके से इस पे करेंगे, तो सबसे पहले तो नीचे ये जो है ये आप लगा दें इस तरीके से, यानी इसको अटैच कैसे करना है, और सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स ही करेंगे, तो इस तरीके से इसको डाल दिया, यानी ये वाला जो साइड है ये नीचे रहेगा और कटिंग वाला जो साइड है ये इधर, ये उभरा हुआ जो साइड है ये ऊपर की यानी आपकी तरफ रहेगा, ये देखिए
नीचे एकदम प्लेन है, ऊपर ये है खुरदरा वाला, तो इसको इस तरीके से आपको डालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ड्राई फ्रूट ब्रश होंगे, तो ये ऊपर की साइड उभरा हुआ साइड रखना है। उसके बाद में इसको आप देख लें कि ये अच्छे से एडजस्ट हुआ कि नहीं। आप नीचे से इसको ये एडजस्ट कर सकते हैं आराम से। और इसमें जो है, एक बार दिखा देती हूँ, इसके अंदर भी इस तरीके से ये डॉट डॉट टाइप से कुछ बने हुए हैं, और ब्लेड में भी इस तरीके से ये कटिंग हुई हुई है, तो ये अपना आप उसमें फिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको इसको लगाना है। इसको आप डाल दें और फिर ये इस तरीके से इन जो डिज़ाइन बने हुए हैं उसमें ये फिट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और नीचे ये, और ये जो है ये आपको इसमें इंसर्ट करनी है, और ये इस तरीके से आवाज़ आ जाएगी तो आपको लगेगा ये हो गया। अब मैं इसमें डालती हूँ ड्राई फ्रूट्स। मैंने इसमें 5 काजू लिए हैं और 6 मैंने बादाम लिए हैं। आप चाहो तो इसको ऊपर तक भर सकते हो, बट अभी मैं पहली बार इसको यूज कर रही हूँ तो एक बार इतने ही डाले हैं, 5 काजू 6 बादाम। और ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पे एक ये इस तरीके से लाइन सी बनी हुई, तो आपको इस तरीके से फिट करना है। ये हो गया। आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। अब इसको क्रश करते हैं कि ये किस तरीके से क्रश होता है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से मैंने डाल दिया है। ये वाली क्लिप भी ध्यान रखें, ये आपको इस तरीके से सीधी डालनी है, तो इस तरीके से। और अब इसको आपको हल्का सा प्रेस करते हुए, आप चाहें तो नीचे प्लेट रख सकते हैं, आप चाहें तो ये, तो मैंने प्लेट रखी है ताकि मैं आसानी से इसको क्रश कर सकूं और ये जो है गिरे ना। तो अब मैं आपको बताती हूँ, इसको हल्का सा इसमें प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस की भी ज़रूरत नहीं, आराम से आप प्रेस करेंगे तो आराम से ये हो जाएंगे। और आप इसमें क्वांटिटी आपके अनुसार डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बहुत थोड़ी क्वांटिटी डाली थी, फिर भी इतने में से भी देखो आप कितने सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से वो हो गए हैं, कट हो गए हैं, और ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं लग रहा है। आराम आराम से आप देख रहे हैं कि मैं करते करते आपसे बात भी कर रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लग रहा, बहुत ईजी टू यूज़ है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जितने ड्राई फ्रूट डालें उतने डाल के इसको क्रश कर सकते हैं। तो ये मैंने काजू और बादाम एक साथ लिए थे, देख सकते हैं आप, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये हुए हैं। अब बात करते हैं चॉकलेट की। तो चॉकलेट में भी फिर अगेन इसी तरीके से आपको ब्लेड जो है वो इंसर्ट करनी है। आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर लें, इसी हिसाब से डालें कि वो एडजस्ट हो जाए, इन जो साइड में जो बने हुए हैं इस तरीके से, ये ढक्कन। और इसमें मैं ये दो, ये जो चॉकलेट्स हैं वो इसमें डालूंगी इस तरीके से, और देखते हैं कि इसका किस तरीके से रिजल्ट आता है। जो बड़े होल वाली प्लेट है वो चॉकलेट में आप यूज़ करें, आप चाहें तो बारीक, अगर चाहिए तो बारीक वाली भी यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसमें जो मेंशन किया हुआ वो यही है कि बड़े जो छेद वाली है वो इसमें। और फिर अगेन आप चॉकलेट क्रश करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से नहीं लगेगा, वो तो पता ही पड़ जाएगा कि ऐसे, तो इस तरीके से ये जाएगा और अपना आपसे लॉक हो जाएगा। आप मैं इसमें ये 2 चॉकलेट डाल रही हूँ, ये आपको पहले डालना है और फिर आपके अंदर जो भी फिलिंग करनी है वो करनी है, और फिर वही उसी तरीके से आपको इसको राउंड राउंड घुमाना है, और बहुत ही आराम से ये आपकी चॉकलेट भी इसमें क्रश हो रही है। आप इसको उल्टा सीधा जैसे आपको ईजी लगे आप इसको घुमा सकते हैं। ये
देखिए चॉकलेट भी कितनी अच्छे से क्रश हो गई है। अभी इसमें और बची हुई है तो मैं उसको भी कर लेती हूँ सारी। ऑलमोस्ट डन। ये देखिए अब इसमें भी चॉकलेट हो चुकी है। ये इस तरीके से ये तो चॉकलेट भी काफ़ी अच्छी तरीके से क्रश हुई है। अब चॉकलेट के बाद में अब मैं आपको बता देती हूँ तीसरी ब्लेड बटर। तो ये रहा चीज़ या बटर जो भी आपको बारीक चाहिए रेशे जैसे, तो उसके लिए ये ब्लेड है। ये वही इस तरीके से आराम से एडजस्ट हो जाएगी, ऐसा आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इनको एडजस्ट करने के लिए। और इसके अंदर अब हम ब्लेड होने के बाद में आपको फिर ये इसमें एडजस्ट कर देना है। आप इसमें मैं बटर डाल देती हूँ क्योंकि मेरे पास चीज़ नहीं है, इसलिए मैं बटर ही यूज़ करूँगी। बटर के स्लाइस जो है वो किस तरीके से निकल के आते हैं। ये इस तरीके से बटर थोड़ा ही डाल रही हूँ एक बार में, और ये एकदम आप फ्रिज से निकाल के करेंगे तो बहुत अच्छे वो होंगे, अच्छे इसके स्लाइस बनेंगे। तो ये इस तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से ये हो रहा है मेरे से। ये देख सकते हैं कितने अच्छे इसके रेशे आ गए हैं बाहर, ये आप देख सकते हैं। आप डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के इसको कर सकते हैं, पिघला हुआ होएगा तो थोड़ा सा इसको चिपक जाएगा, बट ये आप देख सकते हैं। पर इसके रेशे जो हैं वो बहुत ही अच्छे बने हैं, आप पिज़्ज़ा पे या परांठे पे इस तरीके से स्लाइस अच्छे लगते हैं बटर के। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इसने ये तीनों चीज़ें कर दी हैं कि चॉकलेट भी बहुत अच्छे से क्रश हुई, ड्राई फ्रूट्स भी और बटर भी। चूँकि मैंने थोड़ा ही डाला था इसलिए ये इतना सा ही निकला है। अगर आप खूब सारा डालेंगे तो आराम से इसमें जितना आप डालेंगे उतना आराम से इसके ये रेशे निकल आएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट को बहुत बहुत बड़ी थम्स अप है। तो फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो था इस ड्राई फ्रूट कटर के बारे में। मैंने काफ़ी देखा था क्योंकि और जो मैंने यूज़ किया हुआ था पहले जो था उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो इतना लंबा होता था यानी रेक्टेंगल शेप में, तो काफ़ी स्पेस था और उसके ऊपर एक वो प्रेस करने के लिए होता था, तो वो थोड़ा छोटा रहता था तो वो इधर उधर हो जाता था, कभी खो भी जाता था कि कहाँ रख दिया वो। और उसमें बहुत कम क्वांटिटी में आप ड्राई फ्रूट डाल के उसको स्लाइस कर सकते हैं, और उसमें एक ही ब्लेड होती है कि भाई उसमें एक ही काम होएगा और कुछ काम नहीं, इसमें 3-in-1 काम हो जाते हैं। और ये स्टडी है, ये छोटा है, आप इसको कहीं पर भी आराम से इसको रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धोने में यानी क्लीनिंग के हिसाब से भी बहुत सही है, उसमें ऊपर धोते वक्त बहुत बार ये होता था कि ब्लेड पे ऊपर वो लगाते वक्त आपका कभी हाथ कटने का भी टेंशन, इसमें हाथ कटने का टेंशन नहीं क्योंकि ब्लेड्स अलग से हैं, तो आप वैसे ही उसको सावधानी से धोएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा मटेरियल जो है वो प्लास्टिक का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसके सारे पार्ट्स खुल जाएंगे तो आराम से इसको धो के आराम से ये सूख भी जाएगा, स्पेस आपका कम घेरेगा, तो ये भी इसमें बहुत अच्छी बात है। तो आज मैंने अपनी इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग से लेके इसका रिव्यू से लेके इसका डेमो तक दिखा दिया। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जी बहुत अच्छा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ओनली 149 रुपीज़ का है, तो काफ़ी अच्छा है, अच्छा मटेरियल है और प्रॉब्लम भी नहीं है कहीं से भी कोई कि ये इस तरीके का प्लास्टिक है। प्लास्टिक भी अच्छी क्वालिटी का है, स्टील की जो प्लेट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, तो आप ले सकते हैं। एक ही ड्राई फ्रूट कटर से आप तीन तरह की चीज़ें काम कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स आई होप आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो बटन है उसको हिट कर दें, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे जानकारी वाले अगर मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और फेसबुक पे भी मैंने अपना पेज बनाया है काव्या हिंदी चैनल के नाम से, तो उस पेज को जाके भी आप प्लीज फॉलो करें, उसकी वीडियोज भी आप शेयर करें, और भी मैं उसमें कुछ फोटोग्राफ्स या वीडियो और भी लगाऊंगी। अभी मैंने शुरू ही किया है, उसमें ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोज लगाए हैं, पर उस वीडियो पे भी जाके आप उस पेज को जाके फॉलो कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अब फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।